कोई भी राष्ट्र सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली बात है राष्ट्र का आस्तिक होना, राष्ट्र में आस्तिकता का प्रचार होना। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आस्तिक होना चाहिए, ये पहली आवश्यकता है। राष्ट्र बनता कैसे है, थोड़ी सी देर में इन बातों पर विचार करेंगे। यदि पूरा विचार करें तो अथर्ववेद का जो भूमि सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, उसमें 62 मंत्र हैं, तो कम से कम 62 दिन तो चाहिए केवल भूमि सूक्त पर विचार करने के लिए। बाकी इसके अलावा वेद में हजारों मंत्र राष्ट्र रक्षा के बारे में। राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे होती है, जो विद्वान है वो तो धातु आदि को समझ लेंगे। संक्षेप में यह है कि राजरी दीप्तव इस धातु से राष्ट्र शब्द बना है। जो चमकता है दुनिया में अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी सभ्यता के द्वारा, अपने राष्ट्र के निवासियों के चरित्र के द्वारा जो चमकता है उसे राष्ट्र कहते हैं। अभी राष्ट्र बनता कैसे है और क्या राष्ट्र शुरू से ही जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई है? हाँ, सृष्टि के आरंभ में कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था। जैसा कि महाभारत में व्यास जी महाराज कहते हैं, नैव राज्यम न च राजा आसीत न दंडो न च दंडिक, धर्मे नैव प्रजा सर्वः रक्षन्ति स्म परस्पर। कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, क्योंकि धर्म से सब लोग ओतप्रोत थे, धर्म के द्वारा ही परस्पर सभी रक्षा करते थे। जो जो संसाधन बढ़ते गए, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, राष्ट्र की आवश्यकता, राज्य की आवश्यकता अनुभव होती गई, और उसके लिए वेद भगवान ये संदेश देते हैं। ओम, आप मेरे साथ बोल सकते हैं इस मंत्र को, ताकि इसका अर्थ जब हम करेंगे तो समझ में आ जाए। ओम भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वरविदः तपो दीक्षां उपनिषेदु अग्रे ततो राष्ट्रं बलम ओजस्य जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ऋषियों ने तप किया। कैसे ऋषियों ने? भद्रम इच्छन्ति, जो भद्र की कामना करते हैं, संसार के भले की कामना करते हैं। कैसा भला? जिसमें भद्र हो, भद्रता हो। भद्र कहते हैं जिसमें सुख भी हो और कल्याण भी हो। सुख शरीर का होता है, कल्याण आत्मा का होता है, मन का। शरीर, मन और आत्मा सबके भद्र की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने, या वो ऋषि, और कैसे ऋषि? जो स्वर विदः, उचित अनुचित को समझते हैं, हित अहित को समझते हैं, ऐसे ऋषि तप करते हैं। सर्वप्रथम ऋषि लोग तप करते हैं, दीक्षित होते हैं, और उसके बाद राष्ट्र की उत्पत्ति होती है, और तब राष्ट्र में ओज पैदा होता है। और ऐसे ऐसा जब राष्ट्र होता है जिसमें ओज पैदा होता है, बल पैदा होता है, जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है, महाशक्ति होता है, उसको दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र प्रणाम करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। महाशक्ति को आप सब समझते ही हैं। तो जो ऋषि लोग सारे संसार के भद्र की कामना करते थे, सारे संसार के कल्याण की कामना करते थे, ऐसे ऋषि सदा होते आए हैं, सदा होते रहेंगे, ऐसे ऋषि तप करते हैं, और उनके तप के द्वारा राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। अब राष्ट्र के जो धारक तत्व हैं उनके बारे में हम विचार करें। जैसा गौरव जी कह रहे थे और मैंने कहा, आस्तिकता राष्ट्र की प्रथम आधारशिला है,
आस्तिक राष्ट्र ही उन्नति कर सकता है, आस्तिक राष्ट्र ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र हो सकता है। और इस बात के बारे में अथर्ववेद के भूमि सूक्त का पहला ही मंत्र कहता है, और जिस मंत्र का मैं सदैव अपने विचारों के आरंभ में उच्चारण करता हूं, आज जानबूझ के मैंने उस मंत्र का उच्चारण नहीं किया, अब कर रहा हूं। ओम सत्यम बृहत्कृतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन् सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नुरुं लोकं पृथ्वी महकृणोति। इसमें राष्ट्र को धारण करने वाले आठ तत्वों का जिक्र किया गया है। सत्य, इसमें आस्तिकता भी है। सत्य, जो आस्तिक व्यक्ति होता है वही सत्य बोलता है, क्योंकि वो अनुभव करता है कि परमपिता परमात्मा सब जगह विद्यमान है, मुझे देख रहा है। मैं सत्य बोल रहा हूं, असत्य बोल रहा हूं या गलत व्यवहार कर रहा हूं, वो सब जगह उपस्थित होते हुए देख रहा है। और जो परमात्मा को सब जगह साक्षी मान लेता है, वो अपने राष्ट्र के साथ कभी दगा नहीं करेगा, अपने राष्ट्र के साथ कभी धोखा नहीं करेगा, अपने राष्ट्र का हमेशा वो पालन ही करेगा। सत्य, बृहत, परिश्रम। जिस राष्ट्र में परिश्रम की महिमा नहीं होती, जिस राष्ट्र के लोग कामचोर होते हैं, वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए वेद में कहा कामचोरों को दस्यु, अकर्मा दस्यु, जो काम न करने वाले होते हैं, निठल्ले रहने की आदत वाले होते हैं, जो मुफ्त का खाना चाहते हैं। और आज देश में मुफ्त खाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये सब्सिडी वो सब्सिडी, और मुफ्त में सबको राशन दे देंगे, ये जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, राष्ट्र की उन्नति का कारक नहीं हो सकता, क्योंकि निर्धनों की संख्या जिस देश में बढ़ जाती है, वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। मनु महाराज जो ये कहते हैं कि वेदो खिलो धर्म, वो एक बात कहते हैं, यद राष्ट्रम शूद्र भूयिष्ठम, ध्यान देना, यद राष्ट्रम शूद्र भूयिष्ठम नास्तिका क्रांतम अद्विजम विनस्त्यासु तत्सर्वम दुर्भिक्षम व्याधि पीड़ित। त्रीणी तत्प्रबदंते दुर्भिक्षम व्याधि पीड़ितम दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस देश में शूद्रों की संख्या बढ़ जाती है, शूद्र का मतलब जाति से मत समझ लेना, शूद्र कहते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र श्रमिक होता है, पर यहां जो मनु महाराज कह रहे हैं जिस संदर्भ में, वो शूद्र कह रहे हैं जिसकी दशा शोचनीय है, जो काम करके नहीं खाना चाहता, जो निठल्ला बैठे खाना चाहता है, उसे शूद्र कह रहे हैं यहाँ पर इस संदर्भ में। यद राष्ट्रम शूद्र भूयिष्ठम नास्तिका क्रांतम अद्विजम। और जिस देश में नास्तिकों की संख्या बढ़ जाती है, ईश्वर को न मानने वालों की संख्या जिस देश में बढ़ जाती है, और अद्विजम, अद्विजों की संख्या बढ़ जाती, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की संख्या कम होकर के जो अद्विज हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, ऐसे देश का पतन निश्चित है। उस देश में दुर्भिक्ष होता है, बीमारियां फैलती हैं और मृत्यु का भय बढ़ता जाता है। तो देश में काम चोरी को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा तत्व है उग्रम, ओजस्वी हों देश के सभी लोग, दीक्षा, दीक्षित हों, तपस्वी हों, और ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म को जानने वाले हों, ब्रह्म को मानने वाले हों। यज्ञ, ज्यादा व्याख्या करने का समय नहीं, बहुत संक्षेप में उड़ते उड़ते बता रहा हूं सब बातें। देखो, सुखमी विलासी देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। दूसरा विश्व युद्ध की घटना देखिए, फ्रांस का एक सेनानायक बर्लिन की सड़कों पर जा रहा है सैनिकों के बीच, गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि फ्रांस की जर्मनी के हाथों हार हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बर्लिन की सड़कों पर पत्रकार पूछते हैं उस सेनानायक से कि आप इतने बलशाली
इतने समझदार, इतने विज्ञ, आपकी हार कैसे हो गई? सेना नायक उत्तर देता है, ये तो होना ही था, फ्रांस को हारना ही था। जब पेरिस की गलियों में फ्रांस के युवक युवतियां एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए चल रहे थे, जिस समय फ्रांस के लोग सुख सुख और विलासों में डूबे हुए थे, उस समय जर्मनी के हिटलर के निर्देशन में राष्ट्र की भक्ति की, साहित्य की शिक्षा दी जा रही थी, परेड की शिक्षा दी जा रही थी, सैनिक कवायद दी जा रही थी वहां के युवकों को, उस देश को इतना ही था कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि राष्ट्र की होती है जो सुख में विलासी होता है, उस राष्ट्र की कभी उन्नति नहीं होती, और जिस राष्ट्र में उग्रता नहीं होती है उसके बारे में भी मनु महाराज कहते हैं। कुछ छोटे छोटे वाक्यों पर बता रहा हूं मैं। मनु महाराज क्या कहते हैं, दंड शास्त्री प्रजा सर्वा, दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्ते सुजागृति, दंडम धर्मम विदुर्बुध। दंड सबका शासन करता है, उग्रता सबका शासन करती है, और मनु महाराज कहते हैं दंड एवा विरक्षति, दंड ही प्रजाओं की रक्षा करता है और दंड ही सोते हुए में जागता है। आज मेरे पास में अन्नपूर्णा थाना है, यदि थाने के सिपाही सैनिक लोग जगेंगे नहीं तो लूटमार हो जाएगी, और देश की सीमाओं पर प्रहरी सैनिक जगेंगे नहीं तो देश पर हमला हो जाएगा। इसलिए मनु महाराज कहते हैं वेद की बात में बात मिलाते हुए कि दंड सुप्ते सुजागृति, दंडम धर्मम विदुर्बुधा, राष्ट्र में उग्रता होनी चाहिए, न्याय त्वरित होना चाहिए। तो ये जो मंत्र कह रहा है, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयम्, इसके अनुसार राष्ट्र में तीन तत्व जरूरी है। क्या क्या? जन, भू, संस्कृति। जन कौन? जो देश में रहते हैं, जो इन गुणों को धारण करने वाले लोग हैं। ये तो गुण हैं कि ये गुण जिस देश में होंगे वो देश उन्नति करेगा, सत्यम बृहत् ऋतम आदि। तो ये किन में होंगे? उस देश में रहने वाले लोगों में ये गुण, इसको कहेंगे संस्कृति। जो इन गुणों को धारण करेंगे वो जो गुण हैं उन्हें संस्कृति कहेंगे। ऐसी संस्कृति से युक्त लोग जो इन गुणों को धारण करते हैं वो लोग जहां रहेंगे वो उस देश का भूभाग रहेगा, जिसे वेद में कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है और मैं इस भूमि का पुत्र हूं। देखो वेद में किसी एक देश का नामोल्लेख करके कोई बात नहीं कही गई, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं यथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्य, मेरी जो वेद वाणी है ये दुनिया के सब लोगों के लिए है, सब देशों के लिए है। किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक संगठन के लिए या किसी एक देश के लिए नहीं है, दुनिया के सब लोगों के लिए मेरी ये वेदवाणी। तो तीन धारक तत्व है राष्ट्र के, जन, भू और संस्कृति। तो उस भूमि में रहने वाले लोगों में जो राष्ट्र की भूमि है या हमारे राष्ट्र की भूमि है, उसमें रहने वाले लोगों में ये आठ गुण रहने चाहिए जिन्हें संस्कृति कहेंगे। हमारा राष्ट्र का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आज व्यवहार झूठ का हो रहा है, देखने में आता है, परंतु ये केवल दिख ही रहा है, व्यवहार झूठ का नहीं होता, क्योंकि वेद कहता है सत्येन उत्तभिता भूमि, इस धरती को सत्य ने धारण किया हुआ है। भले ही झूठ का व्यवहार दिख रहा है परंतु व्यवहार अधिकतर सत्य का ही होता है, 90% से भी ज्यादा, क्योंकि यदि सत्य का व्यवहार नहीं होगा तो धरती टिकी हुई नहीं रहेगी, ये भूमि सत्य पर ही टिकी हुई है।
एक शब्द है रित। रित शब्द का सामान्य रूप से अर्थ सत्य ही समझ लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे अंग्रेजी में राइट शब्द है, एक ट्रुथ शब्द है। ट्रुथ शब्द का अर्थ अलग है, राइट शब्द का अर्थ अलग है। राइट कहते हैं उचित, सही को। जैसे सत्य है किसी के एक आंख नहीं है, ये सत्य है। उसको यदि हम कहते हैं अपशब्द के रूप में बुला करके कहते हैं, तो सत्य होते हुए भी वो उचित नहीं है, रित नहीं है। एक तो ये अर्थ है रित का कि उचित अनुचित का ध्यान रखना, समय असमय का ध्यान रखना, और दूसरा है सृष्टि के शाश्वत नियमों के अनुसार अपना आचार व्यवहार करना। अब देश में लाखों लोग रहते हैं, हमारे देश की आबादी है 135 करोड़, कुछ कम ज्यादा हो तो आंकड़े मैंने देखे नहीं है, पर अंदाजन 135 करोड़ की आबादी। जन भू संस्कृति के अनुसार देश का निर्माण केवल बांधों से, सड़कों से, या इंटरनेट के जाल से, या अन्य जो संसाधन है उनसे नहीं होता देश का निर्माण केवल। यदि देश में रहने वाले लोगों में ये गुण नहीं होंगे, ये सांस्कृतिक गुण नहीं होंगे, तो उस देश के संसाधन किसी काम नहीं आएंगे। परंतु आज दुर्भाग्य ये था 30-35 साल से कि जिस देश के मंत्रालय ने देश के लोगों को सांस्कृतिक बनाना था, उस मंत्रालय का नाम भी संसाधन मंत्रालय रख दिया गया था, मानव संसाधन मंत्रालय। आज सौभाग्य की बात है कि देश के उस मंत्रालय का जिसने मानवों का निर्माण करना था, जिसने लोगों में सांस्कृतिक भावना पैदा करनी थी, जन भू संस्कृति के अनुसार जिसमें गुणों को उत्पन्न करता था, उस मंत्रालय का नाम भी शिक्षा मंत्रालय फिर से रख दिया गया है। तो संस्कृति को धारण करने वाले 135 करोड़ लोग नहीं है। और देश के मालिक कौन होते हैं? जन भू संस्कृति के अनुसार माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मां का पुत्र कौन होता है और पृथ्वी किसकी मां होती है? देखो, मेरा घर है, यहां मैं रहता हूं, ये घर मेरा है, रहती इसमें छिपकली भी है, मकड़ी भी कहीं कहीं दिख जाती है। अब मेरे बेटे और बेटियां सामने बैठे हंस रहे हैं, अब वो कभी जाला उतार दे मकड़ी का, क्योंकि घर उनका है, मकड़ी रहती है। यदि ये घर टूट जाएगा तो भी मकड़ी रहेगी, तो भी चिड़िया घोंसला डालेगी, तो भी चूहा बिल बनाएगा, उस खंडर में रहने लग जाएगा। परंतु घर का मालिक मैं हूं, घर मेरा है, उस टूटे हुए घर को, खंडर हुए घर को व्यवस्थित करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बनाऊंगा उस घर को ठीक से, रह और भी सकते हैं, चूहा भी रह सकता है, बिल्ली भी रह सकती है, कुत्ता भी रह सकता है, और मकड़ी भी रह सकती है, चिड़िया भी रह सकती है, कोई भी रह सकता है, परंतु वो सब लोग घर के मालिक नहीं है। ठीक इसी प्रकार देश के मालिक और देश की संतानें वो हैं जो देश को मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि मानते हैं, इस देश के प्रति जो आस्था रखते हैं, इस देश का खाते हैं और इस देश का ही गाते हैं, वही इस देश के मालिक हैं, वही इस देश की संतानें हैं। अब 135 करोड़ लोगों में ये विचारणीय विषय है कि कितने लोग इस देश के मालिक हैं, कितने लोग इस देश की संतानें हैं, और कितने लोग इस देश में पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की तरह से रहते हैं, जिन्हें इस देश की संस्कृति से, जिन्हें इस देश के गुणों को धारण करने से, जिन्हें इस देश के आत्म तत्व से कोई सरोकार नहीं है। ब्रह्म यज्ञ सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी मधारयन्। ये तत्व जिस देश के लोगों में होंगे, वो देश
हमारे भूत का, हमारे भविष्य का पालक होगा। और वो देश ही, उसी देश में रहते हुए हम उन्नति कर पाएंगे। परंतु जिस देश में, जिस देश के लोग इन तत्वों को, इन गुणों को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, वो देश कदापि उन्नति नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य राजा राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, संयम के द्वारा, दंड के द्वारा, धर्म के द्वारा ही कोई राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, कर सकता है। और जिस देश के राजा लोग दुराचारी हों, जिस देश के राजा लोग बदमाश हों, वो देश कैसे उन्नति कर पाएगा? और जिस देश के राजा लोग की योग्यता का ही कोई पैमाना न, अरे भाई, चपरासी की नौकरी करने के लिए कम से कम 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है, परंतु देश का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी प्रकार की योग्यता अनिवार्य नहीं है। वो विलासी है, वो दुराचारी है, वो अनपढ़ है, वो गंवार है। और लोकतंत्र, एक लोकतंत्र होता है, एक प्रजातंत्र होता है। प्रजा में और जनता में क्या अंतर है, मैंने पहले कभी बताया होगा। जनता कहते हैं जिसको पैदा करके डाल दिया जाता है वैसे ही, और प्रजा कहते हैं जिसका निर्माण किया जाता है। प्रकृष्ट रूपेण जायते यया सा प्रजा, जो प्रकृष्ट रूप से पैदा की जाती है उसे प्रजा कहते हैं। और ऐसी प्रजा ही राष्ट्र का धारण करती है, ऐसी प्रजा ही राष्ट्र के इन 8 गुणों को अपने जीवन में धारण करके राष्ट्र का संचालन करती है। और सच्चे अर्थों में मात्रा भूमि पुत्रो हम पृथ्वीजा, वो राष्ट्र की पुत्र बन जाती है, राष्ट्र की संतान बन जाती है। परंतु राष्ट्र को धारण कैसे किया जाएगा जब एक विद्वान व्यक्ति वेद मंत्र कहता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं सर्दोषः तम देशम पुण्यम प्रज्येशम यत देवा साग्निना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वोट की भी वही कीमत हो, और उनके यहां झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है उसके वोट की भी वही कीमत हो, महान दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन के वोट की भी वही कीमत हो, और अनपढ़ सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है उसकी भी वोट की वही कीमत हो, उस देश की उन्नति कैसे हो सकती है? ये इस देश के ऋषियों ने, जिन्होंने भद्र चाहा था, जो स्वर विदा, जो अच्छे और बुरे को जानने वाले थे, जो उचित अनुचित को जानने वाले थे, जो हित अहित को जानने वाले थे, जो अपने पराये को जानने वाले थे, उन ऋषियों ने ये कभी नहीं चाहा था। और ब्रह्म यज्ञ राष्ट्र की आधार उसकी ब्रह्म, और ब्रह्म को आपने राष्ट्र से निकाल दिया, आपने कहा देश सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है। अरे भाई, धर्म निरपेक्ष कहते किसे हैं? अग्नि का गुण क्या है? जलाना। अग्नि में से जलाने का गुण निकल जाए तो अग्नि नहीं रहती, वो राख का ढेर बन जाती है और उसको रौंद कर चलते हैं लोग। पानी का गुण क्या है? शीतलता। और पानी शीतल नहीं रहेगा तो वो पानी नहीं रहता। तो हर पदार्थ का गुण होता है। श्री अखिलेश चंद्र शर्मा का धर्म है मस्तिष्क से विचार करें, संजय देव का धर्म है कि मस्तिष्क से विचार कर बोले। और जिस दिन संजय देव और अखिलेश चंद्र शर्मा अपने मस्तिष्क की विचार शक्ति को खो देंगे, उस दिन हम यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष हो गए, हमने अपने धर्म को अपने शरीर से देश निकाला दे दिया। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अर्थात ब्रह्म से निरपेक्ष राष्ट्र, सत्यम बृहद यद ब्रह्म, जो इसका तत्व है उससे निरपेक्ष राष्ट्र न हो सकता है, न होना चाहिए, और न कभी कोई राष्ट्र होगा। इस देश की आजादी हजारों वर्षों तक लाखों लोगों ने, 700-800 वर्षों तक लाखों लोगों ने इस देश के आजादी के लिए बलिदान दिया। वो किससे ओतप्रोत हुए थे? माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीजा, भूमि मेरी माँ है,
मैं भूमि का पुत्र हूं। राष्ट्र की रक्षा की भावना से, राष्ट्र धर्म की भावना से ओतप्रोत होकर के वो प्रवृत्त हुए थे राष्ट्र रक्षा के लिए, और गीता सिरहाने पर रख करके वो लोग कहते थे कि मरना तो एक दिन है ही, क्यों न राष्ट्र रक्षा के लिए मरूं। जिस भगत सिंह को मैं टीवी पर डिबेट सुनता रहता हूं, जिस भगत सिंह को कम्युनिस्ट लोग नास्तिक कहते कहते नहीं थकते, वो भगत सिंह आस्तिक थे। उनकी दृष्टि में नास्तिक रहे होंगे, न जाने कहां से वो इतिहास ले। और यज्ञ, जैसा मनु महाराज कहते हैं, यद राष्ट्रम शुद्र भूयिष्ठम। यज्ञ का मतलब क्या है? केवल ये अग्निहोत्र हवन करना ये नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है उचित अनुचित का ध्यान, देव पूजा, जो देश में यत्र देवा सहाग्निना यत्र ब्रह्मचा क्षत्रमचा सम्यंचा चर्तव सह, जिस देश के राजनेता लोग विद्वानों का सम्मान करते हैं वो देव पूजा होती है। उस देश, जिस देश में विद्वानों का सम्मान नहीं होता वो देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। पर आज इस देश का जो अध्यापक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वही हड़ताल करता है, वही हड़तालों में लगा रहता है, तो इस देश की उन्नति कैसे होगी और कैसे देवताओं की पूजा होगी। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार प्रकाश में एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा ब्राह्मण को नियम में चलाए, ब्राह्मण और सन्यासी को नियम में चलाने वाले राजा और क्षत्रिय आदि होते हैं, पर राजा और क्षत्रिय आदि को सुनियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी होते हैं। ऐसे ब्राह्मण और सन्यासी जब तप करते हैं, जब दीक्षित होते हैं, तब राष्ट्र की रक्षा होती है, तब राष्ट्र उन्नति के शिखर पर बढ़ता है, तब राष्ट्र महाशक्ति बनता है। देखो तप कैसे होता है। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह किया था। जो बुजुर्ग हैं या जो इतिहास को पढ़ते रहते हैं उनको मालूम है, नगरों के गांवों के चौराहों पर नमक सत्याग्रह में नमक की पुड़ियाएं बांटी जा रही थी। इस देश के एक मंत्री हुए हैं महावीर त्यागी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही के मंत्रिमंडलों में वो रहे। चौराहे पर नमक बांट रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फैजाबाद की कोर्ट में पेश किया गया। फैजाबाद की कोर्ट में जो जज थे कोई धार्मिक प्रवृत्ति के पंडित जी रहे थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने कोर्ट की मजाकिया कार्रवाई में पूछा, त्यागी जी आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? त्यागी जी ने कहा, मुझे अपना जुर्म स्वीकार है, परंतु कोर्ट को यह निश्चय कैसे हुआ कि इन थैलियों में, इन पुड़ियाओं में नमक ही है? कोर्ट ने निश्चय कैसे किया, कोर्ट ने कैसे जाना कि इन पुड़ियाओं में नमक ही है? जज साहब ने कहा, तो देख लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। एक पुड़िया को उठाया और जज ने चुटकी से उस नमक को चखा और कहा, है तो नमक ही। त्यागी जी कहते हैं, तो कोर्ट ने भी गांधी का नमक खा लिया है ना। जज साहब गंभीर हो गए, कम से कम सजा दी और त्याग पत्र लिख दिया कि मैंने देश का गांधी का नमक खा लिया है, अब अंग्रेज की कुर्सी पर मेरे लिए बैठना संभव नहीं है। ये होता है दीक्षा। और जिस देश के ऋषि लोग केवल बुद्धिजीवी ब्राह्मण ही ऋषि नहीं होते, जो देश को आगे ले जाता है, जो देश का नेतृत्व करता है, देश का नयन होता है, देश की आंखें होता है, वो भी ऋषि होता है।
तो देश को आगे ले जाने वाले लोग, देश का नेतृत्व करने वाले लोग जिस समय दीक्षा लेते हैं तब करके तब देश की उन्नति होती है। दीक्षा क्या होती है? देश के विधायक और सांसद शपथ लेते हैं, वो उनका व्रत होता है और वो शपथ लेते ही वो दीक्षित हो जाते हैं, तब उनको विधायक या सांसद या मंत्री बनने का अधिकार होता है। इसलिए वेद मंत्र क्या कहता है? व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, श्रद्धया सत्यम आपति, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च संगम च चर्तव सह तम देशम पुण्यम प्रज्येशम यत्र देवा सार्वनि। देश के बुद्धिजीवी लोग, देश के राजनेता लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं तप के साथ, व्रत के साथ दीक्षा को ग्रहण करते हैं और तब उस देश को आगे ले जाते हैं। तब उन लोगों को क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात जो लोग व्रत ग्रहण करके तपस्या करते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, उनके कार्यों के प्रोत्साहन के लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है, जिसे दक्षिणा कहा जाता है। जैसे अन्य क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थ सुधार के क्षेत्र में भारत में अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये दक्षिणा है। और जिस देश में विद्वानों को, ब्राह्मणों को, राजनेताओं को उनके कार्य के प्रोत्साहन के लिए दक्षिणा दी जाती है, वो देश उन्नति के पथ पर, उन्नति के शिखर पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। और क्या कहता है? दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। जब उसको दक्षिणा प्राप्त होती है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है, तो वो और श्रद्धा से और लगन से कार्य करता है अपने देश का। और जब ऐसा करता है, श्रद्धया सत्यम आपनोति, सत्यम बृहत, सत्य से हमने अपनी बात शुरू की थी, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तहो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी बना रहे। और जब ऐसा होता है, जिस देश के बुद्धिजीवी लोग, जिस देश के ऋषि लोग, ऋषय स्वर वेद तपो दीक्षा उपनिषेद, जिस देश के ऋषि, जिस देश के नेता, जिस देश के बुद्धिजीवी तप करते हैं, व्रत लेते हैं, दीक्षित होते हैं और उनको अपने अच्छे अच्छे कार्यों के बाद प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहन के द्वारा वो और आगे श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि उन्होंने सत्य को देख लिया और उस सत्य को अपने जीवन में धारण कर लिया, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या के अनुसार वो राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगे रहे हैं, तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। और तब देश, ऐसे लोग जिस देश में होंगे, जिस देश में 135 करोड़ लोग जब इस देश के, इस संस्कृति के आठ गुणों को धारण करने लग जाएंगे, उस दिन ये देश महाशक्ति, इस देश को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तब हम सच्चे अर्थों में ये कहेंगे, संगच्छद्वम संवदद्वम। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में इन मंत्रों का भी विनियोग किया है, संगच्छद्वम संवदद्वम संभो मनांसी जानताम। देखो, बहुत भ्रांतिपूर्ण बातें इस देश में फैलाई जा रही, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता कभी नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ा ब्लंडर झूठ है इस शताब्दी का, पिछली शताब्दी का भी झूठ था, अनेकता में एकता कभी स्थापित हो नहीं सकती। हाँ, मतभेद की गुंजाइश है, अनेकता की गुंजाइश नहीं है। मैं परमात्मा को मानता हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं, इसकी भी गुंजाइश है, परंतु राष्ट्र को सर्वोपरि मानोगे, अपने आत्मा के अस्तित्व को मानोगे। देखो, महर्षि मनु महाराज कहते हैं कि परमात्मा को मानना या न मानना ये नास्तिकता का लक्षण नहीं है। वो कहते हैं नास्तिको वेद निंदक, नास्तिक वो होता है जो वेद की निंदा करता है। देश की आस्तिकता का आधार वेद होना चाहिए, और जो वेद को नहीं मानता, जो राष्ट्र धर्म निरपेक्ष बन जाता है,
वो नास्तिक होता है। और जिस देश में नास्तिकाक्रांतम अद्विजम, जिस देश में नास्तिकों की और अद्विजों की संख्या बढ़ जाती है, त्रीणि तत्प्रपतन्ते दुर्भिक्षम व्याधि पीड़ितम्। आज इस देश के बदमाशों को, दुराचारियों को मारने के लिए न्याय नहीं मिलता, एनकाउंटर करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब क्या होगा, कौन इस देश का भला करेगा। किम करोमि क्व गच्छामि को देशान उद्धरिष्य, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन राष्ट्रम उद्धरिषि उद्धरिष्यति, कौन राष्ट्र का उद्धार करेगा, ये और कोई नहीं आएगा, ये हमें ही करना होगा। और जब हम व्रत करेंगे, दीक्षा लेंगे, तपस्या करेंगे, तब वो द्वंद्व सहन, कई बातें कहनी थी परंतु समय की सीमा होती है, इस मंत्र की व्याख्या में कई दिन निकाले जा सकते हैं। आज इतना ही कि मेरे देश के लोग सच्चे अर्थों में मातृ भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा के अनुसार भूमि को माँ मानते हुए इस देश की संस्कृति के गुणों को अपने जीवन में धारण करते, देखो सभ्यता अलग होती है, लोगों ने सभ्यता को और संस्कृति को एक मान लिया है, सिविलाइजेशन अलग होती है, कल्चर अलग होती है। सभ्यता कहते हैं मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मैं कैसी कुर्सी पर बैठा हुआ, मेरे सामने टेबल कैसा है, मेरा घर कैसा है, कितना बड़ा है, आलिशान है या झोपड़ी है, ये सभ्यता में आता है। संस्कृति मानसिक गुणों में होती है। ये जो 8 गुण बताए हैं, सत्यम बृहत्तम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति, जो ये 8 गुण जिस देश के लोगों में होते हैं वो पृथ्वी को धारण करते हैं, और वो पृथ्वी उस देश के भविष्य की, भूत की रक्षिका होती है, पत्नी होती है। जैसे घर की जो पत्नी होती है वो घर को पतन में जाने से रोकती है, पालिका होती है घर की, ऐसे ही ये गुण देश के, धरती के, भूमि के पालक होते हैं। ये सांस्कृतिक गुण है, अर्थात मानसिक गुण है। मैंने शुरू में बताया था, बांधों से, सड़कों से, हेलीकॉप्टरों से, हवाई जहाजों की योजनाओं से, मेट्रो से देश की उन्नति होना संभव नहीं है जब तक कि इस देश में रहने वाले लोगों में ये सांस्कृतिक 8 गुण नहीं होंगे वेद के शब्दों। तो सांस्कृतिक लोग हों, सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को लेते हुए आज हमारे शासन ने देश के मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय फिर से रख दिया है। आशा हम करते हैं कि कुछ तो वेद का संदेश दुनिया में जाएगा, आशा की जाती है कि कुछ वेद के सांस्कृतिक तत्वों को धारण करने वाले लोग पैदा होंगे। नहीं तो यदि सभ्य ही मात्र होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो लोग झूठे ना हों, बदमाश ना हों, या हेलीकॉप्टर में बैठकर डाका डालने जाते हों, अपहरण कर लेते हों। सभ्य तो वो लोग हैं जिन्होंने विमान का अपहरण किया था, वो सभ्य तो थे। जो देश की जासूसी दे देते हैं वो सत्यवादी तो हैं पर हितवादी नहीं है। जो अपने देश की सुरक्षित चीजों को, सिक्योरिटी को जो बता देते हैं शत्रु राष्ट्र को, वो सत्यवादी है परंतु वो हितवादी नहीं है। इसलिए हमने ध्येय वाक्य बनाया, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की विजय होती है परंतु ऐसे सत्य की विजय होती जो उचित होता है, जो सही होता है, जो सही नहीं होता ऐसे सत्य की विजय नहीं होती। आज आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास किया, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। ओम सम जय भारत कन्नन विश्व।